इतना मत बिगाड़ो इसको ऐसी। किसी इवेंट में तो आए, एक छोड़ के दूसरे में तो आए। लग रहा है गलत आ गया आज हम इस साइड को। जब हम तैयार होने लगे फिर लगावन देखो कि नहीं। पता नहीं कितने टाइम बाद जा रहा हूँ मैं यार। तारा माता की। जहाँ हम रहते वो इस साइड से, वो इस साइड। वो पीछे आया हो बैकग्राउंड में मैंने दिखा। तो देखो जी आज फिर से जा रहे शिमला की तरफ ही, क्योंकि प्लान तो था देखो पहले से ही, बट ये नहीं पता था कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे, और अब फाइनली बन भी गया प्लान जाने का। तो चलो निकल भी मिलते हैं। आज जाने वाले हैं मैं, मम्मी, पापा तीनों, और आज शाम को हमने वापस भी आना है जीरकपुर। तो क्यों जा रहे, कहाँ जा रहे वो आपको भी आगे चल के बताते हैं। मैं तो आराम से चलता हूँ यार, यू नो आई एम अ गुड ड्राइवर। ओके ठीक है, टोल में पैसे डाल दो इसकी तो। दैट थिंग्स डोंट स्केयर मी एनी मोर ब्रदर। लेट्स सी यार, गांव ले गए यार, गांव जाते हैं हम, शिमला जाते हैं तो इसमें हिल असिस तो है। चलो जी ठीक है, बाय। बट गाइस आज जो हम जाने वाले हैं वो जाने वाले अपनी ब्लैक पैंथर में, इसमें नहीं धन्नो में। धन्नो का एक ट्रिप हो चुका है तो आज सोच रहे क्यों ना एक ट्रिप इसमें मारा जाए। पूरी फैमिली जाते हैं ना, मम्मी पापा मैं तीनों जाने वाले, तो हमने सोचा क्यों ना इसको ले जाया जाए। मूव भी नहीं करती ऐसे, और ट्रिप भी चलो अपना कंफर्टेबल रहेगा क्योंकि हमने अप डाउन दोनों करना है आज। यार हम काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए, हमारा वैसे प्लान था 10 या 11 बजे निकलने का, बट 12 से भी ज़्यादा टाइम हो गया। नहीं कब को पहुँचेंगे, कब को वापस आएंगे, लेट काफ़ी हो जाएंगे, बट चलो यही मज़ा है, यही एडवेंचर है भाई। सबसे पहले तो गाड़ी में आके शीशे खोल लिए, गाड़ी इतनी तप जाती है और जितनी भी इसमें हीट ट्रैप हो जाती है, उसके लिए सबसे बढ़िया यही है कि सबसे पहले शीशे खोलो गाड़ी में आके, एसी भी मत चलाओ ताकि जो जितनी भी हीट ट्रैप हुई है सारी बाहर हो जाए, उसके बाद जाके अपना एसी चलाओ ताकि जितनी भी हीट बाहर हुई है उसके बजाय अब ठंडी हवाएं अंदर एंटर कर जाए, ताकि जो तापमान गर्म हुआ था ठंडा हो जाए। अभी तो कुछ फील हो नहीं रही है, बट धीरे धीरे करके जब इस धूप में जाएगी तो पसीने पड़ने वैसे ही शुरू हो जाएगी यार। अभी ये ट्रैफिक कब खत्म हो गया यार, अभी बल्टाना की लाइटों में ऐसे फंसे हुए हम, और ऊपर से इतने नजदीक नजदीक से सारी गाड़ियां जा रही है। एक देखो एक यहीं बज गया, कब को जाएंगे। तो हम जा रहे देखो तारा देवी टेम्पल, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले हमारे एक रिश्तेदार उनकी रिटायरमेंट पार्टी थी, उसमें हम जा नहीं पाए थे कोई भी। तो फिर उन्होंने अभी इस संडे सैटरडे आज है ना, इस सैटरडे उन्होंने सोचा था कि वो रखेंगे भंडारा तारा देवी टेम्पल में। तो हमने सोचा यार कि चलो रिटायरमेंट पार्टी तो हम अटेंड नहीं कर पाए, तो क्यों ना ये भंडारा तो अटेंड कर सकते हैं हम भी। ऐसा लगेगा कि चलो हम कि हम आए, किसी इवेंट में तो आए, एक छोड़ के दूसरे में तो आए, उनको भी अच्छा लगेगा, हमारे भी दर्शन हो जाएगी, हम भी भंडारा खा लेंगे, उससे अच्छा क्या चाहिए। आज लग रहा है गलत आ गया आज हम इस साइड को, आज क्यों नहीं फंसेगा। वीकेंड है गाइस, सारा टूरिस्ट ऊपर जा रहा है शिमला की तरफ। लाइन देख रहे हो, मुझे लग रहा है पक्का टोल के लिए लाइन लगी हुई है, जो वहाँ टोल है ना अभी आता। हाँ तो लाइन बहुत लंबी है तभी तो यहाँ तक पहुंची है। एचपी वालों को तो चलो जाने देते, बाकियों से तो टोल कटेगा भाई। मुझे लग रहा है जब तक भंडारा खत्म होना तब तक ही पहुंचने हम। चलो माता रानी होगा नसीब में तो मिल जाएंगे, तब तक भूख भी लग जाएगी। चलो मैं 7:15 बजे को उठी, योगा किया, एक्सरसाइज की। पापा सुबह तुम बना, मैं नहीं जा रहा। जब हम तैयार होने लगे फिर लगावन देखो कि नहीं, कि चल ही पड़ता हूं, बोर हो जाना, दिन किसने काटना। शिवी तो बिजी हो ना। सही बात है, आपने शिवी को, अगर शिवी बिजी होता आप फोन पे रहने थे, अखराटे मार लेते, वो दोनों चीजों से परेशान, दोनों चीजों से परेशान होना था पापा की। बड़ी टिम्बर ट्रेल क्रॉस कर दे उसके बाद तो चलो हम निकल ही जाएंगे। इतने सफर के बाद फाइनली पहुंच गए, अब देखो हम आगे वाले रास्ते में नहीं जाएंगे, अपने शिमला वाले में हम निकल जाएंगे ऊपर की तरफ, क्योंकि हमने जाना है तारा देवी टेम्पल। पता नहीं कितने टाइम बाद जा रहा हूँ मैं यार। तारा माता की जय, माता की जय, मैया की जय। पता नहीं कितने टाइम बाद आज मैं जाने वाला हूँ इस मंदिर, आप लोग भी बल्कि है ना, आफ्टर लॉन्ग वेरी लॉन्ग टाइम। चलते हैं भाई, लेट हम काफी ज्यादा हो गए। देखो 4 बजे तक का भंडारा था, सुबह 9 से 4 का, बट चलो तब भी भंडारे के टाइम में पहुंच गए क्योंकि भूख भी लग रही है गाइस। हम ये भी नहीं चाहते थे कि माता जी का आशीर्वाद जो प्रसाद है वो मिस कर सके। गलती एक ही होगी कि हम घर से कुछ डब्बी नहीं लाए, तो अपने भाई साहब के लिए भी कुछ ना कुछ ले जाते हैं। मेरे को याद भी था पहले। चलो कोई नहीं, बट कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ ऊपर हमें कोई जुगाड़ मिल जाए तो उसमें ही ले जाएंगे बेशक, यार थोड़ा भी उसको एक दो दाना भी मिल जाए वो भी बहुत है। क्या बात है। तो गाइस फाइनली वी आर हियर,
एट तारा देवी टेम्पल। इतने टाइम बाद भाई मुझे इतना नहीं पता था कि एक तो इतना ऊपर है और रास्ता ऐसा है, मैं क्या चढ़ाई हर कुछ है और मोड़ हर कुछ है भाई, और टाइट है रास्ता, एट अ टाइम एक गाड़ी निकल सकती है, बीच बीच में है पास देने के लिए जगह है, बट तब भी काफ़ी स्टीप और काफ़ी मोड़ वाला रास्ता है, बट तब भी सेफली हम पहुँच गए, टाइमली हम पहुँच गए। अब चलते हैं ऊपर देवी टेम्पल, दर्शन करते हैं माता जी के, भंडारा खाते, पेट पूजा करते हैं और फिर निकल जाएगी वापस अपने चंडीगढ़ के लिए। जैकेट मैं ले चलूँ कि नहीं, क्योंकि अभी धूप बहुत तेज़ है यार, गर्मी बहुत हुई है आजकल। 101 का 101 का 101 बता दो, अब गाड़ी पे लगाने का फायदा नहीं यार, काफी लोगों ने लगा लिया, हम लगा सकते थे। तो जी यहाँ से देखो, यहाँ सारी शॉप्स है, इस साइड को आप जाओगे तो इस साइड पे सारी पार्किंग, इस साइड को आओगे तो सारी शॉप्स है जहाँ से आपको प्रसाद अगर आपने कुछ खरीदना भी वो भी मिल जाएगा। बाकी यहाँ से ऊपर निकलेगा मंदिर के लिए रास्ता, बट ऐसा ना हो जब तक हम माथा वगैरह टेक के वही बोल रहा हूँ ना जी। ओ, बाकी देखो खाने पीने के लिए भी ऑप्शन अगर आप कभी। जोर से बोलो जय माता दी। ओम माता जी। यहाँ जूता घर में रखेंगे हम जूते, चलो अच्छी बात है, रश नहीं आ ज्यादा। यहाँ से एंट्री ऊपर की तरफ मंदिर को, क्या बात है, इतने टाइम है ना, पता नहीं इतना मुझे आनी, बट बहुत सुंदर बन गया यार सही में, पहले मतलब बहुत कम होता था जितना मुझे। तो ये है जी मंदिर तारा देवी माता जी का, अंदर शूट नहीं कर सकते थे, अंदर अलाउड नहीं शूट करना, तो मैं आपको बाहर से ही दिखा रहा हूँ ऐसा कुछ है मंदिर, और यहाँ से व्यू बहुत अमेजिंग आता है, बहुत जगहों के आता है, ये नहीं कि एक ही जगह का दिखेगा आपको, बहुत जगहों का व्यू आएगा। जैसे मैं आपको दिखाऊँ, ये वाला इलाका आप देख सकते हो, ये संजौली ढली मल्याना, ये वो वाले इलाके जो हमारा विकास नगर वाला है जहाँ हम रहते हैं, वो इस साइड से, वो इस साइड को दिखता है। बाकी इधर को भी और थोड़े बहुत एरियाज हैं जिनके बारे में मुझे पता नहीं है, सच बताऊँ तो मैं बताऊँगा भी नहीं आपको, क्योंकि कोई गलत इन्फॉर्मेशन मैं देना नहीं चाहता हूँ। इस साइड से थोड़ा और अच्छा व्यू आया तो मैं आपको दिखा दूँ, मैं देखो उंगली करना नहीं चाहता हूँ, देखो वो पहाड़ी दिख रही है, वहाँ है डिंगू माता मंदिर का टेम्पल, यहाँ ऊपर को देखो, यहाँ ना दिख नहीं रहे ध्यान, यहाँ ऊपर है जाखू, और थोड़ा इस साइड को नीचे का देखो, वहाँ चर्च दिख रहा है सामने, बाकी पूरा मॉल रोड वाला एरिया शिमला, जिसको बेसिकली शिमला बोलते हैं ना असली, वो शिमला है वो पूरा, कि इस साइड को फिर हमारा, इस साइड को फिर न्यू शिमला कसुमटी, ये सब सारा दिख जाएगा इस साइड को, बाकी जो उस साइड को थोड़ा और जाओगे फिर संजौली ढली ये वाले एरियाज आ जाते हैं, यहाँ से पूरा आपको शिमला का एक अच्छा सा व्यू आ जाता है। तो वैसे भी मैंने आपको दिखा दिया विकास नगर में किधर, हाँ तो वही नीचे इस साइड को नीचे, बट यहाँ घर ढूंढना मुश्किल है ना जी, या तो दूरबीन या वो जूम वाला लेंस या तब जाके मम्मी ढूंढेगी घर, मम्मी ने चैलेंज ले लिया, पहले से पहले वो खा ले भोगू, उसकी भूख ज्यादा लग रही है, बाकी कर लेंगे। धन्यवाद जी, ना छोड़ना कौन है। तो भाई इतना अच्छा सिस्टम है, देखो अभी हम पहले दर्शन करके आए, उसके बाद यहाँ जाके हमने कि अब क्या बोलते हैं भंडारा खाया, उसके बाद देखो यहाँ से नीचे आके आप अपना क्या बोलते हैं प्लेट भी फेंको वहाँ, या ग्लास धो के यहाँ रख लो, उसके बाद यहाँ आओ, वहाँ से अपने शूज़ कलेक्ट करो और निकल जाओ, मतलब बोल सकते हो ना एक पाथवे ऐसा बनाया है जिसमें आप पूरा कवर करते करते खाते पीते उसके बाद एंड में जूते पहन के निकल जाओ। तो काफ़ी बढ़िया, काफ़ी टाइम बाद है, बाकी भंडारा खाने का मज़ा आ गया भाई, भूख लग रही थी, भूख से भी ज़्यादा ही हो गया था बल्कि, तो आनंद आ गया, आनंद। अब थोड़ा टाइम वेट करते हैं, जिन्होंने भंडारा रखवाया था उनसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं, उसके हाँ हमारी बुई है वैसे, हाँ। भंडारा खा के सब कुछ करके फारिग हो चुके हैं, अब हम निकल रहे हैं वापस के लिए, बट मेरे को अभी क्या दिखता है, यहाँ से भी हमें चूड़धार के दर्शन होते हैं यार, वो देख रहे हो सामने, वो सामने चूड़धार है, वो देखो वाइट दिख नहीं रही आपको पहाड़ी, चूड़धार हर जगह से दिखता है भाई, वही ना धीरे धीरे रियलाइज होता है कि हर जगह से दिखता है भाई चूड़धार, नहीं हर जगह से नहीं, हमारे साथ श्री गुरु महाराज, सही बात है, तब होते हैं हर जगह जगह पर दर्शन।